तो वसम गाइज उस टाइप की फोटो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपनी गैलरी से ओरिजिनल फोटो को लेना होगा और लेने के बाद सिंपल से इसकी शेयर के आइकन पे क्लिक करके इस फोटो को लाइटरूम के अंदर शेयर कर दीजिएगा। और मैं सीधे लाइटरूम ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको सारी प्रोसेस बताता हूँ। सो व्हाट्सअप गाइस, जैसे ही आप लोग लाइटरूम ऐप को ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सिंपल से ऑल फोटोज के आइकन पे क्लिक करके अपनी फोटो को सिलेक्ट करके ओपन कर लीजिएगा। और गाइस, इसी फोटो को हम लोग एडिट करने वाले हैं और आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बताएगा और वीडियो के एंड में जस्ट वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखा देगा। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीटेड देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला हम लोग स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे एडिट के आइकन पे आप लोग टाइप कीजिएगा। टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोग के सामने बहुत सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी लाइट वाले आइकन पे टैप कर देंगे। टैप कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे। मैं इंक्रीज करके प्लस साइड में यहाँ पे 20% कर लेता हूँ। देन दोस्तों, इसकी हाईलाइट की वैल्यू भी मैं डिक्रीज करके माइनस साइड में 60% कर लूंगा। और सिंपल से गाइस, इसके बाद आप लोग को इसकी शैडो की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में यहाँ पे 30% करना होगा। व्हाइट्स की वैल्यू भी इंक्रीज करके इसे भी आप लोग प्लस साइड में 30% कर लीजिएगा। देन दोस्तों, सिंपल से इसकी ब्लैक्स वाला जो वैल्यू है ना, इसे आप लोग डिक्रीज करके -30 कर दीजिएगा। और ये सारी सेटिंग आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, यही सेम सेटिंग आप अपनी फोटो के अंदर रख लीजिएगा। और जैसे ही आप लोग ये सेटिंग करिएगा तो आप लोग का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान था हम लोग का पहला स्टेप। लेकिन गाइस, अगर आप दूसरे स्टेप को नहीं देखते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। आपका भाई बहुत ही आसान तरीका बता रहा है। तो सिंपल से दूसरे वाले स्टेप के अंदर ना हम लोग यहाँ पे कलर्स के आइकन पे क्लिक कर देंगे। कर लेने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसकी टिंट की वैल्यू हम लोग ऐसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 20% कर लेंगे। वाइब्रेंस की वैल्यू इंक्रीज करके इसे प्लस साइड में 20% कर लेंगे। देन दोस्तों, इसकी टेम्प की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर देंगे। और ये सारी सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप कर देते हैं तो आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के एंड में आपका भाई जस्ट नाउ वन क्लिक में भी फोटो को एडिट करना सिखाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा। उससे पहले गाइज, आप लोग क्या कीजिएगा, ऊपर साइड में मिक्स टूल के आइकन पे आप लोग ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके आपका भाई टोन को क्रिएट करना बताने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके और इसकी जो ह्यू है ना, इसे आप लोग को ऐसे डिक्रीज करके माइनस साइड में 39% करके, सेचुएशन की वैल्यू प्लस साइड में 100% करके और इसकी लुमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 73% कर दीजिएगा। देन दोस्तों, आप लोग को इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को येलो कलर को लेना होगा और इसका जो ह्यू का वैल्यू है ना, इसे आप लोग को इंक्रीज करके प्लस साइड में 34% करके, सेचुएशन की वैल्यू पूरा डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। लुमिनस की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 69% कर दीजिएगा। सिंपल से गाइज, इसके बाद आप लोग को इक्वा ब्लू कलर को लेना होगा और इसकी जो ह्यू है ना, इसे आप लोग डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। सिचुएशन की वैल्यू भी डिक्रीज करके -100 कर दीजिएगा। सिंपल से गाइज, इसके बाद आप लोग को ऑरेंज कलर को लेके और इसकी जो सिचुएशन है ना, इसे आप लोग को डिक्रीज करके -39 करके, लूमिनेंस की वैल्यू प्लस साइड में 35% करके और ऊपर साइड में आप लोग डन वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। देन दोस्तों, जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगी। तो फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग कैसे किया जाता है आगे आपका भाई ये बताएगा। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, जस्ट इसके बाद आपका भाई वन क्लिक में एडिटिंग सिखा देगा। तो मिक्स टूल के बगल में ग्रेडिंग के आइकन पे आप लोग ऐसे टैप कीजिएगा और साइड में ऐसे आप लोग स्क्रॉल करके हाईलाइट वाले सेक्शन में चले आइएगा। नीचे आइएगा, अपने फिंगर से ऐसे पकड़ के घसीट के इसे आप लोग ब्लू साइड में कर दीजिएगा, जिसकी ह्यू की वैल्यू आप लोग 213 रखिएगा, सिचुएशन को 42 रख लीजिएगा। ऊपर आके आप लोग डन क्लिक कर दीजिएगा। डन आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका दो स्टेप कंप्लीट हो चुका। अभी हम लोग का दो स्टेप बाकी है, उसके बिना आप फोटो को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों स्टेपों को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। उसके लिए सिंपल से हम लोग ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आप लोग के सामने एक इफेक्ट का आइकन मिलेगा। तो इफेक्ट वाले आइकन पे टैप कीजिएगा और सबसे पहले इसकी टेक्सचर की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% कर लीजिएगा। क्लियरिटी की वैल्यू भी 10% कर लीजिएगा प्लस साइड में। डीआईएस की वैल्यू भी इंक्रीज करके प्लस साइड में 10% करके विगनेट वाले आइकन पे आ जाइएगा। इसकी अमाउंट को आप लोग ऐसे माइनस साइड में 28% कर लीजिएगा। और सिंपल से आप लोग को इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा।
सिखाएगा, आपका भाई वन क्लिक में भी एडिटिंग सिखाएगा। उससे पहले हम लोग फेस को अपने स्मूथ कर लेते हैं, तो उसके लिए आप लोग को डिटेल्स के आइकन पे जाना होगा और सबसे पहले इसकी शार्पन की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 18% करना होगा। मास्किंग की वैल्यू इंक्रीज करके प्लस साइड में 46% करके नॉइज वाले में आप लोग आइएगा, इसकी नॉइज रिडक्शन की वैल्यू प्लस साइड में 25% कर लीजिएगा और इसकी कलर नॉइज रिडक्शन में जाइएगा और इसकी कलर नॉइज को भी इंक्रीज करके 24% प्लस साइड में स्मूथनेस को 100% कर दीजिएगा। सिंपल से गाइस ये सारी सेटिंग आप लोग जैसे ही कीजिएगा तो ऑल्टो अलग की पूरी फोटो एडिट होके आ जाएगी, जो देखने में काफी ऑसम एंड फारसी दिख रही है। और मैंने इस वाली फोटो का जो प्रीसेट होता है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से प्रीसेट को डाउनलोड करके जस्ट ना वन क्लिक में आप फोटो को एडिट कर सकते। और इस वाली फोटो को सेव करने के लिए ना शेयर के आइकन पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर दीजिएगा, आपका फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।